Dear students, very good morning. It is me, Sarath Singh. Welcomes to all the students of class 12th of Malla Public School. You are studying chapter 1st, the last lesson in the book Flamingo, in prose section. Okay? तो students, अभी तक आपने इसके 10 paragraph, इस कहानी के आपने 10 paragraph आपने पढ़े हैं और आज हम आपको 11वां पैराग्राफ और 12वां पैराग्राफ, दो पैराग्राफ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि मिस्टर एम हैमल ने बताया था कि आज उनका अंतिम पाठ है और इसके पश्चात अब आपके विद्यालय में फ्रेंड्स को बताया था, स्कूल को बताया था कि आज के बाद में अब फ्रेंच भाषा की कोई भी क्लास नहीं लगेगी, क्योंकि बर्लिन से ऐसा आदेश आया है कि अब अल्सास और लॉरेन के प्रदेशों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी और इसलिए जर्मन भाषा जो पढ़ाई जाएगी उसके अध्यापक जो हैं अब वो कल से क्लास ज्वाइन करेंगे, कल से क्लास पढ़ाएंगे। तो फ्रेंच जो था वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था, सदमे में हो गया था, ठीक है। अचानक ही जो फ्रेंच भाषा को पढ़ने में उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया था और अब वो पछता रहा था कि उसने फ्रेंच भाषा को सही तरीके से क्यों नहीं पढ़ा, उसने फ्रेंच क्लासेस को सही तरीके से ज्वाइन क्यों नहीं किया, है ना, और उसने अपना समय बर्बाद क्यों किया। तो ये सब वो सोच रहा है। तो इसके बाद एम हैमल जो है वो पार्ट स्पेस के बारे में, जैसा कि उन्होंने बताया था, पार्ट स्पेस के बारे में सवाल करना शुरू करते हैं और अन्य लोगों से, क्लास में बैठे हुए अन्य लोगों से पार्ट स्पेस के बारे में क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, ठीक है। और अब जो है एम हैमल, ठीक है, अब एम हैमल की बात आती है, अर्थात एम हैमल जो है वो फ्रेंड्स का नाम पुकारते हैं और कहते हैं, कहते हैं क्या कि आप पार्ट स्पेस के बारे में क्या जानते हो। तो फ्रेंच जो हो वो पार्ट स्पेस के बारे में कुछ भी बता नहीं पाता है और सिर झुका करके वो चुपचाप खड़ा हो जाता है, ठीक है। तब एम हैमल जो है वो फ्रेंच से कहते हैं, क्या कहते हैं आइए जानते हैं। कह रहा है आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई माने मैंने, हर्ड माने सुना, एम हैमल माने एम हैमल को, से माने कहते हुए, टू मी माने मुझसे। तो आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल को अपने आप से कहते हुए सुना, क्या कहते हुए सुना कि आई वुड नॉट स्कॉल यू लिटिल फ्रेंड्स, आई माने मैं, वुड नॉट स्कॉल माने नहीं फटकारूंगा, नहीं डांटूंगा, यू मैं तुम्हें, लिटिल फ्रेंड्स छोटे फ्रेंड्स, तो आई वुड नॉट स्कॉल यू लिटिल फ्रेंड्स छोटे फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि इस क्योंकि नहीं क्यों नहीं डांटूंगा, क्योंकि यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि यू मैं तुम, मस्ट फील माने अवश्य ही महसूस करोगे, बैड माने बुरा और इनफ माने पर्याप्त, क्योंकि यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम वास्तव में, क्योंकि तुम पर्याप्त रूप से बुरा महसूस करोगे, है ना। लेकिन हाउ, लेकिन सी हाउ इट इज, सी देखो हाउ इट इज, है ना, कि कैसे, सी देखो हाउ इट इज कि कैसे, देखो कि कैसे। एम हैबिट बताते हैं कि विद्यार्थियों की ये हैबिट होती है, आदत होती है, है ना, कि वो सोचते हैं कि अभी हमारे पास साल भर का समय है, ठीक है, बहुत सारा समय है, चलो अभी हम पढ़ लेंगे, या याद करने लिए कुछ बताया गया है स्कूल में कि आपको कल ये सुनाना है, तो बच्चे सोचते हैं कि सुनाना तो कल है, अभी तो हमारे पास बहुत समय है, एक घंटे बाद याद कर लेंगे, ठीक है, और फिर वो अन्य किसी खेल में या काम में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं अभी तो बहुत समय है, चलो एक घंटे बाद याद कर लेंगे, कहीं टीवी देखने लगते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, एक घंटे करके कई घंटे गुजर जाते हैं और बच्चे जो है अध्यापक के द्वारा दिए गए, है ना, होमवर्क को, चाहे वो लिखने के लिए हो और चाहे याद करने के लिए हो,
वो कभी कभार कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी आदत होती है। तो वही एम हैमल लिटिल फ्रैम से कहते हैं कि हाउ सी हाउ इट इज, देखो कि कैसे, कि एवरी डे वी हैव सेट टू अवर सिलेबस। एवरी डे माने हर एक दिन, वी माने हम, हैव सेट माने कहा है, कि हर एक दिन हमने कहा है, टू अवर सिलेबस माने अपने आप से, देखो कि हर एक दिन हमने अपने आप से कहा है, अर्थात हर एक दिन हम अपने आप से कहते हुए आए हैं कि वाह, अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि आई माने मैं, हैव मैं रखता हूँ, प्लेंटी ऑफ टाइम माने ढेर सारा समय, है ना, अरे हमारे पास अभी ढेर सारा समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, आई माने मैं, शैल लर्न माने याद कर लूंगा, इट माने इसे, टुमारो माने कल, और मैं कल इसे याद कर डालूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, एंड माने और, नाउ मैं अब, यू मैं तुम, सी मैं देखते हो, एंड नाउ यू सी और अब तुम देखते हो, और अब तुमने देखा, वेयर वी हैव कम आउट कि वेयर माने कहाँ, वी माने हम, हैव कम आउट माने आ पहुंचे हैं, एंड नाउ यू सी और अब तुम देखते हो, और अब तुम देख रहे हो। सी का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होता है, ठीक है, अगर सी का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो रहा है तो उसका अर्थ कंटिन्यूस में निकलता है, तो क्या कहेंगे, एंड नाउ यू सी और अब तुम देख रहे हो, वेयर वी हैव कम आउट कि हम कहाँ आ पहुंचे हैं, अर्थात हमारे याद ना करने का क्या परिणाम निकला है। आह दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अलसास, है ना, अरे दैट इज, दैट माने यह, इज माने है, द ग्रेट ट्रबल माने बड़ी परेशानी, विद अलसास माने अलसास के साथ में, ठीक है। आह दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अलसास, अरे ये अलसास के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी है, है ना। अलसास क्या था बताया था हमने, ये एक राज्य था फ्रांस का, जो कि अब प्रशासन के अधिकार में हो गया है। तो कहता आह दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अलसास, और ये अलसास के लिए एक बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, है ना, सी माने वह, है ना, वह अर्थात अलसास क्षेत्र के लोग जो हैं, पुट्स ऑफ माने छोड़ देते हैं, लर्निंग माने याद करना, टिल टुमारो माने कल तक के लिए, कि अलसास क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जितने विद्यार्थी हैं, वो पाठों को याद करने के लिए कल के लिए छोड़ देते हैं और तुरंत याद नहीं करते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, नाउ माने अब, दोज माने वे, फेलोज माने लोग, नाउ दोज फेलोज अब वो लोग, आउट देयर जो वहां पर हैं, ठीक है, नाउ दोज फेलोज आउट देयर और अब वो लोग जो वहां पर हैं, विल हैव माने रखेंगे, द राइट माने अधिकार, टू से माने कहने का, टू यू मैं तुमसे, नाउ दोज फेलोज आउट देयर और अब वहां बैठे लोग, विल हैव द राइट टू से टू यू, तुमसे ये कहने का अधिकार रखेंगे, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, हाउ माने कैसे, हाउ इज इट माने ये कैसे है, अर्थात कैसे यू मैं तुम प्रिटेंड माने बहाना करते हो, अर्थात दिखावा करते हो, टू बी माने होने का, फ्रेंचमैन माने फ्रांसीसी, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन कि कैसे तुम एक फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो, एंड येट यू कैन नाइदर, एंड माने और, येट माने फिर भी, यू माने तुम, कैन नाइदर माने ना ही, तो कह रहा है क्या, हाउ इज इट कि कैसे यू प्रिटेंड तुम बहाना करते हो टू बी फ्रेंचमैन माने फ्रांसीसी होने का, कि किस प्रकार से तुम एक फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो, है ना। आइए फिर से देख लेते हैं सेंटेंस बाय सेंटेंस। कह रहा है आई हर्ड एम हैमल से टू यू, से टू मी, आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल को अपने आप से मुझसे कहते हुए सुना। आई वुड नॉट स्कॉल यू लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स मैं तुम्हें फटकारूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पर्याप्त बुरा महसूस करोगे। सी हाउ इट इज, देखो कि कैसे। एवरी डे वी सेड हैव सेड टू अवर सेल्व्स, हर एक दिन हम अपने आप से ये बात कहते हुए आए हैं। वाह, अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम कि हमारे पास ढेर सारा समय है, मेरे पास ढेर सारा समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर डालूंगा। एंड नाउ यू सी और अब तुम देख रहे हो, वेयर वी हैव कम आउट कि हम कहाँ आ पहुंचे हैं। आह दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अलसास, अरे ये अलसास के लिए बड़ी
बड़ी परेशानी है इसी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो की अलसास जो है अर्थात अलसास क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं वो कल के लिए याद करने के लिए छोड़ देते हैं, अर्थात वे चीजों को जो पाठ में पढ़ाया गया होता है उसे याद करने के लिए कल के लिए छोड़ देते हैं। ये अलसास के लिए बहुत बहुत ही बड़ी समस्या है, बहुत ही बड़ी परेशानी है। नाउ दोस फेलोस आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और अब वे लोग जो वहां पर हैं, जो वहां पर बैठे हुए हैं, विल हैव द राइट टू से टू यू, वे तुमसे ये कहने का अधिकार रखेंगे कि हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि कैसे यू प्रिटेंड तुम बहाना करते हो टू बी माने होने का फ्रेंचमैन माने फ्रांसीसी, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि कैसे तुम फ्रेंचमैन अर्थात फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो, एंड येट यू कैन नाइदर, एंड माने और येट माए फिर भी, यू माए तुम कैन मा सकते हो नाइदर मा ना ही, एंड येट यू कैन नाइदर और ना ही तुम, और ना ही तुम और एंड नाइदर यू कैन स्पीक और ना ही तुम बोल सकते हो नार राइट टू योर ओन लैंग्वेज, नार मा ना तो राइट मा लिख ही सकते हो, योर माने अपनी ओन मा स्वयं की और लैंग्वेज मा भाषा, नार राइट योर ओन लैंग्वेज ना ही तुम अपनी भाषा को लिख सकते हो, तो नाइदर यू कैन स्पीक नार राइट योर ओन लैंग्वेज, ना ही तुम बोल सकते हो और ना ही अपनी भाषा को लिख सकते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, है ना, कह रहा है क्या, बट माय लेकिन यू माय तुम आर माने हो नॉट माय नहीं द वर्स्ट माय सबसे बुरे लिटिल फ्रेंड्स, छोटे पुअर लिटिल फ्रेंड्स, बेचारे छोटे फ्रेंड्स, तो बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन बेचारे फ्रेंड्स तुम सबसे ज्यादा बुरे नहीं हो, we have all a great deal to reproach ourselves with, है ना, तो we माने हम, all माने सभी, a great, तो we माने हम, have माने रखते हैं, all माने सभी, a great deal माने बड़े मात्रा में, to reproach माने धिक्कारने का, कोसने का, ourselves with माने माने स्वयं को, तो we have all a great deal to reproach ourselves with, ठीक है, अर्थात हम सभी अपने आप को धिक्कारने के लिए पर्याप्त मात्रा में रखते हैं, अर्थात हमारे पास में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके कारण हम अपने आप को धिक्कार सकते हैं, कोस सकते हैं, अगर तुम फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाए हो तो कोई बात नहीं है, इसके लिए तुम अपने आप को कोस सकते हो, धिक्कार सकते हो, लेकिन हम लोग भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में बड़ी मात्रा में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके लिए हम अपने आप को धिक्कार सकते हैं, अपने आप को कोस सकते हैं, तो वही कह रहा है कि वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवरसेल्फ विद, हम सभी बड़ी मात्रा में अपने आप को धिक्कारने के लिए अपने पास रखते हैं, हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए हम अपने आप को धिक्कार सकते हैं, है ना, और एक बात और भी तो है, तुम इसलिए भी सही तरीके से फ्रेंच भाषा को सीख नहीं पाए क्योंकि योर पेरेंट्स वर नॉट एन एग्जिस्ट इनफ टू हैव यू लर्न, है ना, योर माय तुम्हारे पेरेंट्स माय माता पिता वर माय थे नॉट माय नहीं एन एग्जिस्ट माय चिंतित इनफ माने पर्याप्त टू हैव यू लर्न माय तुम्हें सिखाने के लिए, है ना, और तुम इसलिए भी नहीं सीख पाए क्योंकि योर पेरेंट्स वर नॉट एन एग्जिस्ट इनफ टू हैव यू लर्न, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें सिखाने के लिए पर्याप्त चिंतित नहीं थे, they preferred to put you to work on a farm or at the mills, है ना, क्योंकि they माने वे preferred माने ज्यादा पसंद करते थे to put you मैं तुम्हें लगाने के लिए to work माने काम में on a farm माने एक खेत में, है ना, क्योंकि they preferred to put you to work on a farm, क्योंकि वे तुम्हें एक खेत पर काम करने के लिए लगाने के लिए कहीं ज्यादा महत्व देते थे, आर एट द मिल्स अथवा मिलों में, तो दे प्रेफर्ड वे ज्यादा पसंद करते थे, वे ज्यादा महत्व देते थे टू पुट यू मैं तुम्हें लगाने के लिए, टू वर्क माने काम करने के लिए, ऑन ए फार्म माने एक खेत पर, आर एट द मिल्स अथवा मिलों में, ठीक है, तो दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म आर एट द मिल्स, क्योंकि वे तुम्हें एक खेत में अथवा मिलों में काम पर लगाने के लिए ज्यादा पसंद करते थे, ज्यादा महत्व देते थे, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, सो एज टू मैं ताकि
हैव माने रख पाएं, प्राप्त कर पाएं, ए लिटिल मोर माने थोड़ा और ज़्यादा, मनी माने धन, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि वे थोड़ा और धन प्राप्त कर पाएं, ताकि वो थोड़ा और धन कमा सकें। एंड और आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, आई माने मैं, हैव बीन मैं रहा हूँ, टू ब्लेम माने दोष का दोषी, आल्सो माने भी, तो आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी रहा हूँ। एम हैमिल कहते हैं कि मैं भी तो दोषी रहा हूँ कि तुम सीख नहीं पाए, तुम फ्रेंच भाषा को सीख नहीं पाए, इसलिए आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी रहा हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसंस, कि आई हैव माने कि क्या, आई माने मैंने, नॉट मैं नहीं, ऑफन माने प्रायः, सेंट माने भेजा है, यू मैं तुम्हें, टू वाटर माने पानी लगाने के लिए, माई फ्लावर्स माने अपने फूलों में, इन स्टेट ऑफ माने के बजाय, ऑफ लर्निंग माने सीखने के, योर लेसन माने तुम्हारे पाठ, है ना। तो हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इन स्टेट ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने नहीं प्रायः भेजा है तुम्हें पानी लगाने के लिए मेरे फूलों को, के बजाय याद करने के अपने पाठ, तो क्या मैंने अपने पाठों को याद करने के बजाय मैंने तुम्हें कई बार या प्रायः अपने फूलों में पानी लगाने के लिए तुम्हें नहीं भेजा है, है ना। तो क्या मैं तुम्हें अपने पाठों को याद करने के बजाय अपने फूलों को पानी लगाने के लिए क्या मैं तुम्हें नहीं भेजा है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, एंड माने और, व्हेन माने जब, आई माने मैं, वांटेड माने चाहता था, टू गो माने जाना, फिशिंग माने मछली पकड़ने के लिए, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो डिड माने कि क्या, आई माने मैंने, नॉट माने नहीं, जस्ट माने केवल, गिव मैं दिया, यू मैं तुमको, ए हॉलीडे माने एक छुट्टी, तो एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी, है ना। तो ये सब मैंने भी तो किया है, इसलिए मैं भी दोषी हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है। तो आगे देखते कर रहा है क्या, चलिए संडे बाय संडे फिर से देख लेते हैं। इसके पीछे वाला जो पैराग्राफ हमने आपको है पढ़ा दिया है, कह रहा है क्या, नाइदर यू कैन स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। तो एम हैमेल लिटिल फ्रेंड से कहते हैं कि ना ही तुमने फ्रेंच भाषा पर कतई ध्यान नहीं दिया, और ना ही तुम अपने स्वयं की फ्रेंच भाषा को बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, है ना, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, प्यारे छोटे फ्रेंड्स, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सर्विस विद, ठीक है, कि हमारे पास में भी अपने आप को धिक्कारने के लिए बड़ी मात्रा में है, अर्थात हमारे पास में भी बड़ी मात्रा में कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे हम अपने आप को धिक्कार सकते हैं, अपने आप को कोस सकते हैं। और योर पेरेंट्स, और इसलिए तुम इसलिए भी नहीं सीख पाए क्योंकि इसका कारण आगे वाले पैराग्राफ में बताया गया है। तो एम हैमिल बताते हैं कि तुम इसलिए भी नहीं फ्रेंच भाषा को सही तरीके से सीख पाए क्योंकि योर पेरेंट्स वर नॉट एन एग्जिस्ट इनफ टू हैव यू लर्न, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें सिखाने के लिए पर्याप्त चिंतित नहीं थे, है ना। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म आर एट द मिल्स, है ना, और वे तुम्हें एक खेत में अथवा मिलों में काम पर लगाने के लिए कहीं ज्यादा महत्व देते थे। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि वे कुछ और धन प्राप्त कर पाए, ताकि वे थोड़ा और धन कमा सकें। एंड आई और मैं है ना, और मैं, एंड आई और मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी रहा हूं कि तुम भाषा को नहीं सीख पाए, तो फ्रेंच भाषा को नहीं सीख पाए हो, इसका आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी रहा हूं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इन स्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसंस, क्या मैंने तो अपने पाठों को याद करने के बजाय मैंने तुम्हें कई बार, है ना, तो कह रहा है क्या, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इन स्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसंस, क्या मैंने
तुम्हें अपने पाठों को याद करने के बजाय मैंने तुम्हें कई बार अपने फूलों में ऐसा फूलों के पौधों में पानी लगाने के लिए तुम्हें नहीं भेजा है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी थी, तो इसलिए तुम सीख नहीं पाए तो मैं भी दोषी हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि दोनों पही पैराग्राफ 11वां और 12वां आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके आगे की कहानी हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।